हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बनाना है बेटे के लिए और अपने लिए नाश्ता। इससे पहले हस्बैंड चले गए थे अपने ऑफिस, तो उनको बना करके दे दिया था। और आज सब्जी बहुत थोड़ी सी ही बनी थी, तो अपना लेकर के चले गए हैं वो टिफ़िन और अपना नाश्ता करके चले गए हैं। तो सब्जी नहीं बची थी, मतलब बची थी लेकिन उतना पूरी नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना ब्रेड का नाश्ता किया जाए, ब्रेड और बटर का। तो मैं ब्रेड और बटर को अच्छे तरीके से सेक लूँगी और तवे पर ही सेकूँगी मैं, क्योंकि उससे ना अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। वैसे तो मैं टोस्टर में या फिर वो जो, हाँ टोस्टर जो होता है ना, उसी में सेक लेती हूँ, लेकिन अभी वो फ़िलहाल ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलिए इस पे ही, मैंने अभी रोटियाँ बनाई थी थोड़ी देर पहले ही, इस पे ही सेक लेती हूँ क्योंकि गर्म भी था वो। तो मैंने अपने लिए ही सेक लिया है, बेटे को मैं उठा रही थी लेकिन वो नहीं उठाए, अभी वो सो रहा है। अपने लिए ही बना लिया है, चाय बना ली थी साथ में और ब्रेड, और मैंने नाश्ता कर लिया था। तो गाइज, अब नाश्ता करने के बाद बारी आ जाती है किचन को क्लीन करने की। किचन की क्लीनिंग में सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी अपना गैस स्टोव और उसका, उसके आसपास का जो काउंटर टॉप है ना, उसको साफ़ करूँगी। और गैस को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ गैस के आसपास और टाइल्स वगैरह को, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी खाना रह जाता है ना, तो कॉकरोचेस जो है ना बहुत जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो खाने की चीज़ें हो जाती है ना उन्हीं के ऊपर पनपते हैं। और इस टाइम पे अभी मॉइस्चर का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से कॉकरोच वगैरह जो है ना, कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने किचन को क्लीन करती हूँ। कोशिश तो यही करती हूँ कि कहीं भी कोई जगह मेरे से ना छूटे जहाँ पर कोई खाने का कण पड़ा हो। गाइस, किचन तो कर दिया है मैंने पूरी तरीके से क्लीन, बर्तन भी धो दिए हैं इधर, और स्लैब वगैरह सारी साफ़ कर दी है। बस मुझे अभी बेटे के लिए बनाना है क्योंकि वो सो रखा था अभी, तो मुझे उसके लिए नाश्ता बनाना है। नाश्ता मतलब ब्रेड ही बनाऊंगी क्योंकि सुबह ना सब्जी नहीं बची है, तो फिर ब्रेड से ही नाश्ता किया है। मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया था, लेकिन अभी तो मैं बेटे के लिए बना देती हूँ, फिर करूँगी मैं बाकी के काम अंदर। बेटे को भी उठा दिया है, वो चला गया है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। तो जब तक वो अंदर बाथरूम में है ना, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ये कपड़े रखे हुए थे इनको मुझे रखना है अलमीरा में, और उसके बाद मुझे अपने बेड वगैरह जो है ना ठीक करने हैं। जब तक वो बाहर आएगा उससे पहले मैं थोड़े से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर जब वो बाहर आ जाएगा तब मैं उसके लिए नाश्ता भी बना दूँगी। चाय बनानी है मुझे उसके लिए और ब्रेड ही सेकनी है बटर के साथ, तो वो बटर के साथ ही खाता है, घी वगैरह नहीं लेता है। जब तक घर में बटर होगा ना, तो वो, उसे बटर बहुत ज़्यादा पसंद है। बेडशीट ठीक करके मैंने अपना जो ये हेडबोर्ड है इसकी भी डस्टिंग कर दी है। इसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, जबकि मैं डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा आती है। जबकि यहाँ पर इतना ज़्यादा, मतलब रात को सोते भी नहीं है, फिर भी फ़ैन भी ज़्यादा नहीं चलता है, बस दिन में ना बेटा पढ़ता है, बस खाली वही उस टाइम ही चलता है फ़ैन। और कुछ इन सब चीज़ों का ना कलर भी ऐसा है जिसमें ना हल्की सी भी डस्ट होती है तो वो दिखाई देने लग जाती है। चलिए वो तो सब चलता रहता है, मैं कर लेती हूँ बाकी चीज़ों की भी डस्टिंग। तो जो ये ड्रेसिंग टेबल है इसकी कर दी है डस्टिंग, अलमीरा है, ये मेरा डेली का ही रूटीन है। जो जो चीज़ें नीचे होती हैं ना उनकी मैं डस्टिंग डेली ही कर देती हूँ, कभी बाई चांस होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। गाइज, इसी बीच में मैं बीच में चाय बना करके दे दी है उसको, नाश्ता दे दिया है मतलब। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो ये मिरर ना 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, इस ये ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है डेली, मतलब इतना गंदा हो जाता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से कर देती हूँ क्लीन। मैंने एक सॉक्स ले ली है, पुरानी सॉक्स ही है ये, इसी से पहले ना मैंने सूखे, जो सूखी सॉक्स थी ना उससे ही साफ़ कर दिया है, और उसके बाद हल्का सा पानी डाल करके उससे क्लीन कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। और जो ये मेरा वॉश बेसिन है ना, ये भी डेली ही साफ़ होता है, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, तो जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में आएगी उसको क्लीन करना बनता ही है। तो आज इसमें मैंने जो सर्फ़ होता है ना वो नहीं डाला है, हैंड वॉश ही जो है ना मेरा वही मैंने डाल दिया है, और सॉक्स से अच्छे तरीके से इसको रगड़ दिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। जैसे पुराने सॉक्स वगैरह जो होती हैं ना, इनसे चीज़ें ना बहुत साफ़ हो जाती हैं, मिरर हुआ, ये वॉश बेसिन हुआ, ये चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती हैं। वॉश बेसिन को क्लीन करने से पहले मैंने पोछा लगा दिया था पूरे घर में, उसके बाद मैं बाथरूम में गई थी, फिर उसके बाद नहाई, फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर।
और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो आज ना मेरा काम बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। तो चलिए गाइस, अब टाइम हो गया है दोपहर का खाना बनाने का, तो मुझे बनाना है दाल चावल। दाल चावल ही बनाऊंगी मैं आज के खाने में। और जब से मैंने ये पेस्ट बना के रखा है ना, मुझे इतना आराम हो गया है, क्योंकि मिक्सी भी ना थोड़ी मेरी ऐसे ही ख़राब ही हो रही है, बहुत आवाज़ करती है वो, तो बहुत फ़ायदा हो गया कि बार बार मिक्सी नहीं चलानी पड़ती है। तो चलिए, तेल में ज़ीरा और हींग डाल दिया, उसके बाद पेस्ट डाल दिया है, दोनों हरी मिर्च और अदरक का और टमाटर का। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर डाल दिए हैं मैंने बेसिक मसाले, और ये डाल दिया मैंने हींग, सॉरी पहले नहीं डाली थी क्योंकि मिल नहीं रही थी। तो चलिए, इसको मसाले को भुनने के बाद, और मसाले में से ना धसक भी आने लगी थी, तो मुझे आने लगी थी छींके। चलिए, अब डाल दी है दाल, और इसके अंदर पानी डाल के इसमें लगाऊंगी मैं 2 सीटी, और 2 सीटी लगाते ही इसको मैं खोल देती हूँ, क्योंकि ये जो लाल मसूर होती है ना, वो है वैसे तो 1 सीटी में ही बन जाती है, लेकिन मैं 2 लगा करके तेज़ गैस करके और बहुत जल्दी से बन जाती है, और उसकी स्टीम निकाल देती हूँ। तो चलिए, जब तक बन रहा है मेरा खाना, एक साइड में मैं कर लेती हूँ ये करेले को, छील लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाने हैं शाम को। सारे करेलों को छील लूँगी, और ये जो छिलका है ना, इसको मुझे रखना है, क्योंकि इसका मुझे बनाना है जूस हस्बैंड के लिए। जैसे कि आपने पहले मेरे व्लॉग में देखा है कि जो इसका करेले का छिलका होता है ना, इसका मैं बनाती हूँ जूस। तो पहले मैंने इसको ऊपर से छील लिया था हल्का हल्का, और कुछ करेले देखे गाइस पक भी गए थे, क्योंकि कई दिन के ला करके रखे हुए थे, बनाए नहीं थे ये, और कुछ कच्चे थे ना, उनको मैंने, उनका जो छिलका है ना वो नहीं निकाला था, तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया था और काट लिया था। इस बार ना मैंने थोड़े छोटे छोटे करेले काटे हैं, बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे जो स्लाइस होती है ना, वो नहीं काटी हैं इस टाइम में, बीच में से एक हिस्सा करके और फिर गोल करके काटे हैं उसको। तो चलिए, फटाफट से काट लेती हूँ, और इसके अंदर मैं लगा करके रख दूँगी थोड़ा सा नमक, मतलब डाल करके। दाल बन गई थी मेरी, दाल को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया था, और एक साइड में मेरे चावल भी बन गए हैं, उसी कुकर में ही बना लिया है मैंने, दाल को खाली कर लिया था। और अब ये सेक लेती हूँ पापड़, क्योंकि दाल चावल के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़। और ये उड़द की दाल वाले शायद पापड़ थे, जिसमें काली मिर्च डली होती है ना अंदर की साइड, वो वाले पापड़ थे। तो मुझे दाल चावल के साथ पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रोटी के साथ मैं नहीं खाती हूँ पापड़, जब रोटी सब्जी खाती हूँ उसके साथ नहीं सेकती हूँ पापड़, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप सब बताना, आप किस किस को दाल चावल के साथ पापड़ पसंद आते हैं। चलिए गाइस, सारी चीज़ें बन के हो गई हैं तैयार, चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, और उधर एक साइड में जो है पापड़ भी सेक लिए हैं मैंने। तो अब खाना डाल लेती हूँ, और आज मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया था दोपहर का लंच, क्योंकि सुबह आज ब्रेड से ही नाश्ता किया था ना, तो भूख भी लगने लगी थी, और मेरे से ज़्यादा तो बेटे को लग रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज उसको ही डाल के दूंगी, क्योंकि मैं तो गरम गरम नहीं खा पाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ठंडा करके ही खाना खाऊँगी। हेलो गाइस, शाम हो गई है, उठ गई थी मैं सो करके, और देखा तो बाहर आ रही है बारिश, काफ़ी झमाझम बरस रही है, और मौसम भी हो रखा है बहुत ही अच्छा। मैं बैठी हूँ अभी बालकनी में आकर के, भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन दिखाती हूँ मैं, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखने का इस काफ़ी तेज़ बारिश है। काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, और बारिश का मौसम है, तो ऐसा लग रहा है अब तो पकोड़े बना लेने चाहिए, और पर लेकिन यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन अच्छा है, थोड़ा गर्मी भी हो रही थी। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, मैं बनाती हूँ पकोड़े चाय के साथ, और वो भी बारिश में। गाइस, मेरा वहाँ से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे बेटे ने बोला कि मम्मा ऐसे में तो पकोड़े हो जाने चाहिए, और मेरा भी मन करने लगा देख करके, क्योंकि इस बार बारिश में शायद पकोड़े नहीं बनाए थे। बेसन में डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और ये जो कुटी हुई मिर्च थी ना हरी वाली, अदरक का पेस्ट, ये मैंने डाल लिया है, और डाल लिया है इसके अंदर नमक, और अब इसको कर देती हूँ मिक्स।
बेसन को थोड़ी देर पहले ही भिगो करके रख दिया था और अब डाल लेती हूँ कढ़ाई के अंदर तेल। और तेल ना मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी जिस क्योंकि ना वो वेस्ट हो जाता है फिर वो तेल, वो जो बाद में जला हुआ तेल होता है ना वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, चावल वगैरह में ही यूज़ करती हूँ मैं। तो चलिए उससे पहले फिर मैं कर लेती हूँ पकौड़े की तैयारी। तो एक प्याज ली है मैंने, थोड़ा बड़े साइज़ की प्याज ली थी उसको काट लिया है लंबा लंबा। और एक दो लिए हैं मैंने आलू, क्योंकि मुझे आलू की पकौड़ियाँ भी बनानी हैं और प्याज की भी। तो आलू को छील करके उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है, पतला पतला। गोल वाले जो पकौड़े होते हैं ना वो मैंने नहीं काटे हैं, लंबे लंबे काटे हैं, उससे अच्छे तरीके से वो गल भी जाते हैं और ढेर सारे पकौड़े बन जाते हैं एक बार में, वो गोल में नहीं बन पाते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पकौड़े। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू के पकौड़ियाँ। वैसे तो पकोड़ों के साथ अच्छी लगती है धनिए की, हरे धनिए की चटनी, लेकिन हरा धनिया मेरे पास अभी नहीं था तो इसको हम खाएंगे सॉस के साथ, सॉस रखी हुई है घर में। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पकोड़े। और जो पकोड़ों के ऊपर आप चाट मसाला डाल लो ना, ऊपर चाट मसाला या फिर काला नमक डाल लो ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पकोड़े। और गाइज आप सब बताना कि किस किस ने इस बार की बरसात में पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ना अपने आप ही से ही मन करने लग जाता है कि पकौड़ियाँ क्यों ना बनाई जाएँ, अच्छी लगती हैं इस टाइम पे, मतलब तली हुई चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। तो मेरे वो जो है ना आलू के पकौड़े तो बन चुके हैं और अब बारी आ गई है प्याज के पकौड़े बनाने की। और एक ब्रेड रखी थी, जो वो मोटा वाला पीस होता है ना ब्रेड का, ऊपर जो आता है मोटा वाला, वो ज़्यादातर जो है ना गाय को ही जाता है, हमारा कोई नहीं खाता है उसको। तो उसको भी मैंने आज यूज़ कर लिया है, उसके चार हिस्से करके उसका भी मैंने ब्रेड पकोड़े बना लिए हैं। प्लेन ब्रेड पकोड़े ही बनाए हैं जो ऐसे ही बना लेते हैं उसमें बेसन के अंदर डाल करके। मैं और मेरा बेटा यश तो अभी खा लेंगे हम पकोड़े और हस्बैंड के लिए छोड़ देंगे, बस उनको मिस कर रहे थे इस टाइम के, अगर वो साथ में होते तो वो भी गरम गरम पकोड़े खा लेते, लेकिन ऑफ़िस हैं वो और अभी ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ है कि वो ऑफ़िस से आ जाएं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है उनको ऑफ़िस से आने में। चलिए फटाफट से बनाते हैं पकोड़े और फिर इंजॉय करेंगे। और गाइज मिस कर रही हूँ मैं बाहर बालकनी में बैठना, क्योंकि वहाँ आ रही है बारिश और अभी बेटा वहाँ पर बैठा हुआ था। पकौड़ियाँ मैंने सारी बना ली थी तो हल्का हल्का ना अंधेरा होने लगा था क्योंकि बादल तो हो ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले खाना खाने से पहले दियाबाती कर लेती हूँ, क्योंकि दियाबाती का टाइम भी होने ही लगा था, थोड़ी सी देरी बाकी थी तो मैंने सोचा चलिए खाने से पहले दियाबाती कर लेती हूँ। शाम की पूजा कर ली है मैंने और जब तक मैंने पूजा की थी बेटे ने बना ली थी चाय और अब इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म पकौड़े सॉस के साथ। और गाइज आइए आप भी हमारे साथ इंजॉय करिए। ये टाइम है रात का तो हस्बैंड आ गए थे, डिनर बना लिया था और हम सब ने अपना खाना खा लिया है। मुझे करना है अपना किचन क्लीन, क्योंकि किचन अभी क्लीन नहीं किया है। और डिनर में बना था करेला और दिन की रखी थी दाल, तो दाल मैंने नहीं बनाई थी और अब करना है मुझे पूरी तरीके से किचन को क्लीन। तो गाइज़ अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिखती हो ना वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना। गाइज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कम पड़ जाता है ऐसा लगता है मुझे। और ये जो जूस भी बना लिया था मैंने, तो अभी मुझे ना कुछ सीमेंट का काम करना है अपने किचन में। तो चलिए ये दूध अभी रखा हुआ है क्योंकि दूध गर्म था ना, ये तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा है और किचन को पूरी तरीके से ड्राई कर दिया है मैंने, ख़ास तौर पे ये सिंक की तरफ से, क्योंकि मुझे ये जो सीमेंट है ना मैंने वाइट सीमेंट ली है, ये जो यहाँ से है ना यहाँ से सीमेंट हट गई थी, किनारियाँ हट गई थी तो पानी ना नीचे चला जाता है, ऐसे ही यहाँ से भी है। तो मुझे इसमें सारे में लगाना है सीमेंट, क्योंकि रात के टाइम ना पानी का यूज़ नहीं होता है तो ये सुबह तक अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। दिन में नहीं कर पाती हूँ मैं ये काम क्योंकि पानी ना बार बार यूज़ होता है,
तो चलिए इसको मैं एक थोड़ा ना गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी और इसको लगा दूँगी। और ये ऐसे ही ना मुझे बाथरूम में भी लगाना है गाइस, लगाते हुए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।